हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और यहाँ पे हम लोग एकेडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बीटेक सेकंड सेम की मैथ्स है। इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही, कन्फॉर्मल मैपिंग टॉपिक चल रहा था। और कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर हमारे जो है स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। अगर रोटेशन W इक्वल टू जेड ई की पावर i थीटा की फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन। मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, W इज इक्वल टू सी जेड की फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है और आपको जेड प्लेन की वैल्यू गिवन है और W प्लेन में आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन दोनों सेम इक्वेशन होती है लेकिन दोनों के डायग्राम डिफरेंट होते हैं। उसके बाद इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन, प्रीवियस क्लास में W इक्वल टू 1/z पे हमने दो क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर जिस फॉर्म में भी गिवन है तो उसमें हम करते क्या है कि जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें W की वैल्यू फाइंड करनी होती है, U और V की फॉर्म में निकल आती है। तो अभी अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो ये कैसे होता है, सबसे पहले देख लीजिए। जेड की वैल्यू यहाँ पे होती है आर ई की पावर आई थीटा और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव। अब अगर आप देखिए इस फॉर्म में अगर इसको आप पुट करोगे तो डब्ल्यू क्या है आपका आर ई की पावर आई फाइव और जेड 1/r ई की पावर आई थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1/r ई की पावर माइनस आई थीटा। अब कंपेयर कर दो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r और फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का थीटा। ये चीज आपकी निकल आएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन में अगर इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन का मतलब अगर W इज इक्वल टू 1/z की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इमेज निकालने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करवा चुके हैं, उनको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन में होता क्या है कि W आपको पता है यू प्लस आई वी होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जेड इज इक्वल टू आपका होता है एक्स प्लस आई वाई और सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद आप जो है इमेजिनरी वैल्यू अलग कर लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और दोनों मतलब कंपेयर करके यू और वी आपका निकल आएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यू वाला पार्ट आपका रियल पार्ट होता है और जो भी आई के साथ लिखा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहां से आपको यू और वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जेड प्लेन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप डब्ल्यू प्लेन में वैल्यू निकाल लेंगे उसकी इमेज से, ठीक है। तो इसमें डायग्राम होता कैसा है, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे एक ये है आपका जेड प्लेन और जेड प्लेन में आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये आपकी इमेज बनी। तो जब आपके डब्ल्यू प्लेन पे बनेगी तो डब्ल्यू प्लेन में सेम इमेज ही बनेगी लेकिन थोड़ी अलग हटके बनती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यू एक्सिस हो गई, ये वी एक्सिस हो गई, ये ओ डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर रोटेशन है तो रोटेशन में क्या होता है, डब्ल्यू और जेड की वैल्यू तो यही हो जाएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो ई की पावर आई थीटा होता है ये होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए थीटा की जगह पे वैल्यू दी हुई है पाई बाई फोर, तो कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस आई 1/√2 हो जाएगा। बाकी फिर वैल्यू आप क्वेश्चन रख के सॉल्व कर लेंगे। तो रोटेशन में होता क्या है, डायग्राम आपका कैसे बनता है, जैसे ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपका ओ पॉइंट, ये आपका है जेड प्लेन, ठीक है, जेड प्लेन। अब आपको अगर यहां पे बनाना है, ये है आपका यू, ये है आपका वी, इस लाइन को थोड़ा सीधी बनाना, मुझसे तो टेढ़ी बनी है लेकिन आप लोग सीधी बनाना, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए। ये है आपका वी
ये है आपका ओ डैश, तो रोटेशन हो गया। तो आप पहले इस तरीके से बना लो तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो हो सकता है कि आपका डायग्राम कुछ, जब यू और की वैल्यू पता चल जाए तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा, मतलब यहां भी ट्राइंगल है यहां भी ट्राइंगल है, लेकिन किस तरीके से बना है वो ट्राइंगल वो चेंज हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा वो ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। अब देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि W की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है आपको, और C हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो 3-4 कोई कांस्टेंट टर्म गिवन हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन में अगर Z प्लेन में वैल्यू आपकी ऐसे छोटी सी बनी हुई है, छोटा सा कुछ बना हुआ है, तो W प्लेन में ये काफी बड़ा बना होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपकी U है, ये V है, ये O डैश है, ये O है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके बाद मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, अगर मैग्निफिकेशन और रोटेशन हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, जैसे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये ओ है, तो पहले तो आपका ये बना जेड प्लेन पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम, ये है यू, ये है वी, ये है ओ डैश, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। रोटेशन में आपने क्या पढ़ा था, डायग्राम जो है उस सेम चीज बनेगी लेकिन वो दिखने में अलग जैसा होगा, है तो ये भी ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल, लेकिन अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे ही मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा बन गया, और रोटेशन का मतलब होता है कि उसकी जगह थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, रोटेट हो गया वो। तो रोटेट होने के बाद मान लीजिए हम यहां ऐसे बन सकता है, ये भी एक स्क्वायर की शेप में है, तो इस तरह का कुछ बन सकता है, ये इससे बड़ा भी है और स्क्वायर है लेकिन डिफरेंट शेप का, डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़े स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किसके, कन्फॉर्मल मैपिंग के। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो उसको आपको सॉल्व करने का तरीका और डायग्राम आपको पता चल गया कि कैसे बनते हैं। तो क्या क्या पढ़ा आपने, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, और इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये पांच चीजें आपने पढ़ी, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कन्फॉर्मल मैपिंग का फिनिश हो जाता है। और आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा चैनल को देखें और मुझे मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।